हम जिन्हें लाइक करते हैं उनके रिलेशनशिप स्टैटिक्स में हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, ताकि हम और भी ज़्यादा अच्छे से अज्यूम कर पाएँ कि वो सिंगल है या नहीं और वो हमें लाइक करती है या नहीं। तो इसके लिए आपको उनसे पूछना भी नहीं है, उनसे बात भी नहीं करनी है, बस दूर से देख के आपको पता चल जाए, हस्तरे का देख कर पता करें आप कि वो सिंगल है या नहीं। सॉरी, मैंने बहुत ही ज़्यादा धैर्य मन से सोचे हैं ये 8 मेजर साइन और इंक्लूड किए हैं इस वीडियो में, जिससे आपकी ये उलझन सुलझ जाएगी। सो आक्रमण, माय नेम इज मयूरी पांडे एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आर यू रेडी टू नो योर क्रश इज सिंगल और नॉट? देन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड टर्न ऑन बेल नोटिफिकेशन और फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। नंबर वन, शी ग्लेंसेज एट मैन। वुमेन हु आर इन रिलेशनशिप डू नॉट फील द नीड ऑफ डूइंग दिस, कि जो बंदा बाजू से गुजर रहा है उसके साथ नैन मटक्का करती हुई दिख जाए। सो दिस इज़ अ फर्स्ट साइन। इफ शी इज़ टू इंटरेस्टेड इन अदर मैन, दैट मीन्स शी माइट बी सिंगल, क्योंकि जो रिलेशनशिप में है वो तो दूसरों के साथ क्यों नैन मिलाएंगी, है ना। तो जो गर्ल सिंगल होती हैं और जो स्कोप देखती हैं कि ओके ये उनको पसंद आ सकता है टाइप, तो उनके साथ वो आई कॉन्टैक्ट करती हुई आपको नज़र आ जाएंगी। सो तुमको तो नहीं, क्योंकि तुमसे तो नैन नहीं मिला है उसने आज तक। नंबर टू, शी डजेंट चेक हर फोन ऑल द टाइम, क्योंकि वो किसी का मैसेज मिस कर ही नहीं सकती, क्योंकि कोई उसको मैसेज कर ही नहीं रहा है। आई मीन वो कोई जो मैसेज करना चाहिए लेकिन वो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो कोई उसकी लाइफ में नहीं है इस वक्त। उसके अलावा बाकी सब हैं जो नहीं होने चाहिए या जो हैं, लेकिन उसको फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उनके में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वो उन सब के मैसेज ट्यून का नोटिफिकेशन मिलने पर, मैसेज का नोटिफिकेशन ट्यून बजने पर वो मैसेज अपना तुरंत चेक नहीं करती हैं, क्योंकि वो इंटरेस्टेड नहीं है उनमें। कमिटेड गर्ल्स ऐसा करती हैं कि नोटिफिकेशन आती तुरंत चेक करना, बिकॉज वो अपने वाले से प्यार करती हैं और वो उनको वेट नहीं करना चाहती। बाकी तो फिर वैसे ये बात नहीं है, वो नहीं चाहती हैं कि इन टुच्ची सी चीज़ों पे झगड़े हों, इस वजह से यही रीज़न है फास्ट रिप्लाईज का। तो अब तुम्हारे मैसेज का वो लेट रिप्लाई करेगी तो तुम क्या ही लांछन लगाओगे उस पर कि कहाँ बर्तन धो रही थी इतने देर तक, मेरे मैसेज आते ही दौड़ी क्यों नहीं चली आई, पैरों में दही जमा रखा था क्या, ऐसे सब तुम नहीं कह सकते बिकॉज यू डोंट हैव राइट्स ऑन हर। नंबर थ्री, शी स्माइल्स एट यू। अनदर साइन दैट शी इज सिंगल इज शी स्माइल्स एट यू इमिजिएटली एंड लुक्स इनटू योर आईज। कोई भी ऐसी लड़की जो रिलेशनशिप में होगी ऑलरेडी वो ऐसा नहीं करेंगी। इफ आप स्माइल पास करोगे तो भी से वो या तो ऑकवर्ड स्माइल करेंगी या तो फिर आपसे कुछ बात करेंगी या कुछ पूछेंगी लाइक हाउ आर यू, जस्ट टू अवॉइड दैट आई ग्लेंसिंग मोमेंट बिटवीन यू टू, बिकॉज शी इज़ इन लव विथ अ मैन, तो वो क्यों ऐसे करेंगी, है ना। बट वो गर्ल जो सिंगल है वो ये सब कुछ नहीं फील करेंगी एंड इतना सब नहीं सोचेंगी, शी विल जस्ट एन्जॉय दैट आई ग्लेंसिंग मोमेंट बिटवीन यू टू, और जो कनेक्शन बन रहा है नया नया उसको ही वो एन्जॉय करती हैं। नंबर फोर, शी विल नॉट मेक एन एक्सक्यूज़ टू लीव द कॉन्वर्सेशन। अगर वो लड़की सिंगल होगी और आपकी कंपनी उसको पसंद होगी तो वो कॉन्वर्सेशन को बीच में ऐसे छोड़ के नहीं जाएंगी या यू नो बहाने नहीं बनाएंगी, बिकॉज उसको इवनिंग या आफ्टरनून में किसी को टाइम नहीं देना है, उसको खुद को लॉयल नहीं प्रूव करना है किसी के सामने, शी हैव टाइम, इसलिए वो आपको टाइम दे पाएगी। और जो कमिटेड होगी वो ऑब्वियसली यू नो सब सारी कपल्स के रूटीन होते हैं कि जब वो फ्री होते हैं तो रोज़ के एक दो घंटे या जितनी भी देर वो बात करते हैं करते हैं, तो उस टाइप की चीज़ नहीं होगी इफ़ वो सिंगल होगी। और इफ़ ऐसा कुछ भी नहीं है तो पहली बात तो कि शी इज़ नॉट इनटू यू। नंबर फाइव, एक्साइटमेंट इन आइज। कंपेयर्ड टू कमिटेड गर्ल्स, सिंगल गर्ल्स ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आती है जब वो आपसे बात करती हैं या आपसे हाथ मिलाती हैं, तो क्योंकि शी इज़ सिंगल एंड शी naturally gets excited about boys and you are boy. और I have a boyfriend वाली का ये सीन है कि if उसके boyfriend ने उसको देख लिया तुमसे हंस हंस के बात करते हुए, तो वो पूछेगा ना कि इतना हंस हंस के क्यों बात कर रही थी, उससे इतनी क्यों एक्साइटेड हो रही थी उससे बात करने के लिए, तो ऐसा वाला सीन रहता है। तो अब कोई स्कोप ही नहीं है, स्कोप्स के ख़त्म हो गए हैं तो क्या ही एक्साइटमेंट दिखाना। नंबर सिक्स, लुकिंग एट कपल्स विथ सैड फेस। यू नो भले हम कहते हैं कि हमें रिलेशनशिप में नहीं आना या वी डोंट वॉन्ट टू सेटल जस्ट बिकॉज, मतलब हाँ कह दूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि वो पूछ रहा है और वो नहीं पूछता, तो आई मीन वी फाइंड इट सेफ कि रिलेशनशिप नहीं बनानी किसी के साथ, क्योंकि हमें टेम्प्रेरीली किसी की लाइफ का हिस्सा नहीं बनना है और टेम्प्रेरी सा रिश्ता नहीं बनाना है। आई डोंट नो,
आई मीन गर्ल्स तब तक के रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती हैं जब तक उन्हें खुद से किसी से प्यार ना हो. वी डोंट लाइक कि किसी को हाँ कह दो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हमारे साथ रहना चाहता है. आई मीन वॉट इफ हम नहीं रहना चाहते या हम रहना चाहते हैं टाइप चीज़. और ये बॉयज़ के साथ भी होती है बट थोड़ी कम होती है. बट डीप इनसाइड वी वॉन्ट दैट टुगेदर फॉरएवर थिंग जो ज़्यादातर लड़कियों को शादी के बाद ही मिलता है. ऐसा नहीं है कि बॉयफ्रेंड्स छोड़ के चले जाते हैं बट इट जस्ट डोंट वर्क आउट समटाइम्स किसी रीज़न से. तो इसीलिए कपल्स को देखकर सिंगल गर्ल्स का फेस ऐसे थोड़ा सा सैड हो जाता है कि मेरा मिस्टर परमानेंट कब आएगा मेरी लाइफ में. नंबर 7, वो एक भी मौका नहीं छोड़ती है अट्रैक्टिव लगने का. ओह शी स्लेज, मतलब उन्हें पसंद होता है कि वो जहाँ भी जाए वहाँ पे लोग उनको ऐसे देखें जैसे उनको पाना बहुत ही मुश्किल है. बिकॉज शी इज़ सिंगल नॉट बिकॉज उसको कोई प्रपोज नहीं करता. शी इज़ सिंगल बिकॉज शी हैव स्टैंडर्ड्स. आई मीन वो सेटल नहीं होना चाहती है. ऐसा नहीं है कि कभी किसी ने किसी भी गर्ल को पूछा नहीं या बोला नहीं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ. बट जब जब जिसने भी कहा वो सुनना नहीं चाहा उसने बिकॉज वो नहीं सेटल करना चाहती. इसलिए वो अपने लुक्स को मेंटेन करती है ताकि जब उसको कोई पसंद आए तो उस बंदे को सेटल्ड फील ना हो और वो भी उसको भी ऐसा लगे कि ओके आई डिज़र्व हर और शी इज़ डिज़र्विंग फॉर मी ऐसा टाइप से. मतलब या उसके लेवल का हो. जब कोई उसको पसंद आए तो वो उसका एडमायरर बनकर नहीं उसका लवर बनकर रहे, उसका पार्टनर बनकर. नंबर 8, अ डिस्कशन ऑन बीइंग सिंगल इज़ बेस्ट थिंग टू नो. मैं कहती हूँ खुद से गैस घुस करने से अच्छा है उसी से जाके पूछ लो. और ऐसे मोटा के नहीं पूछना है जाके कि क्या आप सिंगल हैं, नाइस वॉच बॉयफ्रेंड ने दी क्या, नहीं मतलब क्या, वॉट यू थिंक हाउ विल शी रिएक्ट ऑन दिस, मॉडर्न समझेगी, नो मुगम्बी खुश नहीं होगी. इतनी वित्ती सी जो अट्रैक्शन बिल्ड हो भी रही होगी ना वो भी जाती रहेगी 12 के भाव में. हैव अ डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक का मतलब है कि जानबूझ के आप स्टार्ट करो कॉन्वर्सेशन इस टॉपिक पे जिसमें आपको करनी है. यू कैन स्टार्ट इट लाइक हाउ यू फील अबाउट अ सिंगल और हाउ यू थिंक अबाउट अ सिंगल पर्सन. मतलब डू यू थिंक लाइक, सॉरी मैं इसको पूरा हिंदी में बोलती हूँ, कि आप किस तरह से देखती हो उस इंसान को जो सिंगल है. कि आपको ऐसा लगता है कि वो इसलिए सिंगल है कि वो एक रिलेशनशिप को नहीं संभाल के रख सकता, मतलब ही कैन नॉट कीप अ रिलेशनशिप, या क्या सोचती हो उसके बारे में, व्हाई ही इज सिंगल और क्यों कोई सिंगल रहना चाहता है टाइप, इस टाइप से आप शुरू कर सकते हो, देख लेना जैसा भी हो, ताकि यू नो कॉन्वर्सेशन इससे स्टार्ट होगी और फिर उसके ओपिनियंस आपको पता चलेंगे, आपके ओपिनियन, उसके क्वेश्चन, आपके आंसर, आपका आंसर, उसका ओपिनियन, ऐसे करके पता तो चल ही जाएगा कि वो सिंगल है या नहीं. यार प्लीज़ इन बातों पे अपनी ज़िंदगी के अहम साल बर्बाद मत करो, पढ़ाई लिखाई करो. आई मीन किसी के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में क्यूरियस होना या जानना कि वो सिंगल है या नहीं, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, ये सब ठीक है. बट वो सब जानने के बाद उदास होकर मत बैठो. आई मीन आई डोंट नो इस वीडियो को सुनने के बाद, इन साइन को सुनने के बाद आप खुश हुए हो या उदास हुए हो या कुछ कन्फर्म हुआ है, बट जो भी हुआ है प्लीज़ इसको साइड करो एंड अपने करियर पे ध्यान दो. एंड या स्टे हैप्पी विथ योर सेल्फ, लव यू ऑल. शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन देम, सॉरी. भले हम कहते हैं कि हमें रिलेशनशिप में नहीं आना, सॉरी ना टाइप लाइक टेम्प्रेरी रिश्ता नहीं बनाना, मैंने इसको पोएम की तरह लिखा था लेकिन मैं बोल नहीं पाई. एनीवे 17 मिनट हो गए, जल्दी बोल. जस्ट आई कवर्ड दिस टॉपिक फॉर यू और अब ये वीडियो आपका हुआ तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दो. एनीवे कंटिन्यू बोलूँगी इसको, ये तो 6 हो गए. नंबर 8, अ डिस्कशन.